कैंडिडेट बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया पे आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की, जिसमें इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी, पैराजोआ, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, यू मेटाजोआ, इन तमाम टर्म्स को डिस्कस किया विद एग्जांपल। फिर हमने स्पिट्री की बात की, रेडियल, बाइलेटरल पे, डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़े, और उसके बाद जर्म लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जर्म लेयर कौन सा सिस्टम जो है डेवलप करती है, एक्टो एंडो मेसोडर्म, तीनों पर बात की, और इनकी एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बॉडी कैविटी के हवाले से ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, सीलोमेट्स और प्रोटोस्टोम, चिटेरोस्टोम्स विद एग्जांपल। और फिर हमने इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की डिस्कशन की थी। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने दो तो फाइलास पढ़े थे, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस और सिलेंट्रेटा नाइडेरियंस। तो आज हमारा जो थर्ड फाइलम है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज पे। प्लेटीहेलमिन्थीज के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इनको हम प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। प्लेटफॉर्म्स कहने की वजह ये होती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। तो ये सवाल आ सकता है कि इनके लिए वर्ड जो है वो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। इसके साथ ही फर्दर इसकी कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। एक तो ये कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक फाइलम हमने डिप्लोब्लास्टिक का पढ़ा था, सिलेंट्रेटा, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्री बाइलेटरल है। और इसी तरह से अगर हम फर्दर कैटेगरी देखें तो ये ए सिलोमेट होते हैं। इनमें सिलोम नहीं है, वो स्पेस जो कि बॉडी कैविटी की होनी चाहिए थी, दैट इज फिल्ड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये इनके अंदर बेसिक फीचर्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्दर अगर हम आ जाते हैं, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, फिर हम एक एक करके इनके अंदर सिस्टम्स है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इसका मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो प्लेनेरिया है, जिसको हम ड्यूगुसिया भी कहते हैं। उसके बाद इसमें आपको एक एग्जाम्पल जो है वो ब्लड फ्लू की मिलेगी। ब्लड फ्लू भी इसी फाइला से बिलोंग करते हैं, इसको स्किस्टोसोमा कहते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसके अंदर लिवर फ्लू का, लिवर फ्लू का साइंटिफिक नेम भी आपने याद रखना है, दिस इज द पिस्कोला हेपेटिका, पिस्कोला हेपेटिका इसको हम कहेंगे। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर वो है टाइनियस ओलियम, और टाइनियस ओलियम को हम टेप वर्म कहते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। तो एक तो एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है और इनको आपने अच्छे से जो है वो लर्न करना है करें। तो साइज इसका कुछ मिलीमीटर से लेकर आपको कई मीटर तक जो है वो आपको इसका साइज मिलता है, और जो फ्यू मिलीमीटर साइज है वो प्लेनेरिया का है, और जो बहुत ज्यादा लेंथी साइज में आपको लॉन्ग मिलेंगे वो है टाइनिया सोलियम यानी कि टेप वर्म, उनका साइज है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से हम इनके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो ये बात याद रखनी है कि जो तो फ्री लिविंग होते हैं, अब फ्री लिविंग कौन सा है? फ्री लिविंग है प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग यानी इनके लाइफस्टाइल से भी आ सकते हैं कौन से फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि ये पैरासाइट नहीं है। तो प्लेनेरिया जो होते हैं इनके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिवेल्प होता है, डिवेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिवेल्प नहीं होता, पुअरली डिवेल्प होता है। पैरासाइट कौन कौन से हमने पढ़ना है कि बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें पैरासाइट हैं, जैसा कि ब्लड फ्लूक भी इसमें पैरासाइट है, इसी तरह से लिवर फ्लूक जो है वो भी इसमें पैरासाइट है, और जो टेप वर्म है वो भी इसके अंदर पैरासाइट है। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपने याद रखना है कि वो पुअरली डिवेल्प है। अब ये पुअरली डिवेल्प्ड क्यों होता है? इसकी वजह ये है बिकॉज दे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर होस्ट फॉर देयर फूड। इन्होंने अपनी न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे मुकम्मल तौर पर डिपेंड करना है, जिसकी वजह से इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिवेल्प नहीं है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके अंदर डिवेल्प है उनमें किस तरह का, लाइक प्लेनेरिया की हम बात कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सैक टाइप होता है, सैक लाइक या सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम पहले बात कर चुके हैं कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग जो है वो है माउथ की, इसके अलावा इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, यानी एनस नहीं है, सिर्फ माउथ है।
जिनमें एनस भी होगी उसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टर सिस्टम कहते हैं। तो प्लेनेरिया में जो डाइजेस्ट सिस्टम, एक तो सैक टाइप है, दूसरा इसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो ब्रांचिंग फॉर्म में होगी, ब्रांचिंग फॉर्म में होती है और वो स्प्रेड होती है पूरी बॉडी के अंदर, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रख लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम पे। अब ये एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताएं कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा डिवेलप होता है प्लेटफॉर्म के अंदर, वो इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम नाम यूज करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या स्पेसिफिकली अगर हम आ जाएं इसके अंदर तो वो है फ्लेम सेल सिस्टम। इसके अंदर फ्लेम सेल सिस्टम होता है और वो जो कि फ्लेम सेल सिस्टम है उसमें एक इंटरनल ओपनिंग, सॉरी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और इंटरनली उसके अंदर एक पार्ट होता है जहां से वो जो भी टॉक्सिक वेस्ट है उसको अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करके उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये इसके अंदर इसका जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है वो आपने याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर जो सिस्टम है उसमें हम बात करेंगे, दैट इज अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसमें पेड गैंग्लिया होते हैं, एक तो ये आपने बात याद रखनी है, पेड गैंग्लिया, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिंपल ब्रेन, सिंपल ब्रेन। दूसरे इसमें आपने याद रखना है कि इसमें लेटरल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड्स, और लेटरल नर्व कॉर्ड जो है इसके यहाँ पर 3 पेयर्स मिलते हैं, और ये जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं ये आपको लेडर लाइक मिलती हैं, यानी कि सीढ़ी की तरह के उसके ऊपर जो है वो आपको नर्व कॉर्ड्स मिलती हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा बाकी इसके अंदर ज्यादातर सिस्टम जो है वो एबसेंट होते हैं। अब एबसेंट जो है वो सिस्टम कौन कौन से हैं जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो याद रखना है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता जी। उसके बाद हम बात कर लेंगे इसमें, इस पर रिप्रोडक्शन पे, कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन में इसमें ज्यादातर जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक नई टर्म यहाँ पे आ गई, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो है इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल एक ही एनिमल के अंदर है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है इन सेम एनिमल, और इसमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है, बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो लार्वल स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो लार्वा बनता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, अपने नाम याद रखते हैं, मेरिसीडियम लार्वा, ये इसके अंदर आपको लार्वा यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद इनमें लोकोमोशन की अगर हम बात कर लें, तो लोकोमोशन में जो फ्री लिविंग होते हैं वो मूव करते हैं, फ्री लिविंग हम देखेंगे कि वो मोटाइल हैं, और जो पैरासाइट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, बल्कि जो पैरासाइट होते हैं वो अटैच रहते हैं होस्ट के साथ अटैच है, और किस तरह से अटैच होते हैं, उसके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर भी आपको एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं मिलते हैं, और एडहेसिव ऑर्गन कौन से, इनमें हुक्स होती हैं और सकर्स होते हैं जिसके जरिए ये अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं। अब जो मोटाइल है वो मूव किस तरह से करते हैं, लाइक क्योंकि इसमें मैंने बताया कि जो मूव करता है वो प्लेनेरिया है जो कि इसका बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर भी है, इसमें मूवमेंट सीलिया से होती है और सीलिया उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो जिस वजह सवाल आ सकता है कि इसमें अंडर साइड सीलिया होते हैं जिसके जरिए ये मूव करते हैं। अब ये तो इसमें डिफरेंट जो सिस्टम्स थे हमने उसकी बात की। अब बहुत स्पेसिफिकली अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इनके अंदर पैरासिटिक जो लाइफ स्टाइल है वहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, कि हम देखते हैं कि ये पैरासाइट है और पैरासाइट किस तरह से हैं, और स्पेशली पैरासाइट के अंदर भी आपको ये एंडो पैरासाइट मिलते हैं, यानी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर ये पैरासाइट होते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ले आऊं एक एनिमल की एग्जाम्पल, और वो है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। अब लिवर फ्लूक जो है ये एक एंडो पैरासाइट है, दैट इज द पैरासाइट ऑन द बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट के अंदर होते हैं वहां पर ये पैरासाइट है,
और इसमें स्पेसिफिकली जो इसके अंदर होस्ट होते हैं उसमें से सवाल आ सकता है कि इसके अंदर दो होस्ट होते हैं। इसके अंदर एक जो होस्ट होता है जिसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट, ये एक सवाल आ सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो होता है होस्ट वो होता है सेकेंडरी होस्ट, या इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो इन दोनों में से आपने याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनल होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट जो होते हैं वो इसमें ज्यादातर केसेस में वो शीप होती है, और ओकेजनली मैन होता है, ये आपने याद रखना है। और इसमें जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है। तो ये सवाल आ सकता है कि इनमें इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, बाइल डक पे होते हैं, तो फाइनल होस्ट जो है वो आपको शीप और मैन मिलेगी, और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इसके अंदर स्नेल होता है। एक तो ये आपने याद रखा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उस पर हम बात करेंगे, वो है टेप वर्म। ये इंपॉर्टेंट, टेप वर्म भी दो होस्ट को यूज करते हैं, टू होस्ट। इनमें जो एक होस्ट होता है जिसको मैं अगेन प्राइमरी होस्ट कहूंगा, और दूसरा होस्ट होता है वो सेकेंडरी होस्ट है। तो इसमें जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमंस है, मैन है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इसमें पिग्स या कैटल्स में वो होते हैं, वहां से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आते हैं। तो टेप वर्म के बारे में भी आपने दो चीजें याद रखनी। दूसरा, टेप वर्म की बॉडी के अंदर जो है वो कुछ पोर्शंस होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, उनको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। कि अगर हम देखें कि इसका ये इसके अंदर हेड है और इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से यहाँ पर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, और ये याद रखना है कि प्रोग्लॉटिड्स में जितना हेड से दूर होंगे उतने ही प्रोग्लॉटिड्स वो मिच्योर होते जाएंगे। ये मिच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, और बिल्कुल जो स्टार्ट के अंदर हैं वो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, वो इमिच्योर होते हैं। और वो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्लॉटिड्स हैं वो ऐड होते हैं, और यहाँ से प्रोग्लॉटिड जो वो रिमूव हो जाते हैं। तो जब वो रिमूव होते हैं तो फिर उनके अंदर आपको जो है वो जाइगोट मिलता है। जो प्रोग्लॉटिड रिमूव होगा उसमें आपको जाइगोट मिलेगा, और फिर फर्दर वो डिवेल्प होगा आगे जाके अदर एनिमल के अंदर, और वहाँ एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाकर उसकी बॉडी के अंदर डिवेल्प करके फर्दर एनिमल जो है वो बना लेगा। तो इस तरह से आपने ये भी इसमें याद रखना, टेप फॉर्म। बाकी आपको बता दिया कि जो प्लेनेरिया है वो तो फ्री लिविंग है, ठीक है, लेकिन जो दो मेन है लिवर फ्लू को टेप वर्म, और ये बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उससे अगर ये ह्यूमन बॉडी में आ जाए कि अगर हम पुअरली कुक्ड मीट लेते हैं उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और फिर यहाँ आकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इनको रिमूव करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके प्रोग्लॉटिड्स हैं वो हेड साइड से बनते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, और इस वजह से इनकी फिर कंप्लीट रिमूवल के लिए डिफरेंट ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो अनीमा देना पड़ता है। तो दो टर्म इसके अंदर, एक इन्फेस्टेशन और एक डिसइन्फेस्टेशन। बहरहाल आपने प्लेटी हेलमेंथिस के लिए ये जो चीजें हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हम फाइलम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस जो है इसको हम नीमाटोडा भी कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है राउंड वर्म्स, ये भी आ सकता है। राउंड वर्म्स इस वजह से वर्ड यूज होता है क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक इसका एनिमल बना लेता रफली सा स्केच, तो ये ऐसे बॉडी के जो एंड्स होते हैं वो ये पॉइंटेड होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब लाइक है, यानी उसके अंदर माउथ होता है, और पूरी बॉडी के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ट्यूब की तरह मूव करता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर एनस होती है। तो पहली दफा इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डिवेल्प हुआ, ये माउथ है और ये एनस है। इस वजह से मैं यहाँ ये डायग्रामेटिकली आपको इसलिए बताया है कि इस वजह से हम इसको बॉडी को कहते हैं, एक और वर्ड यूज होता है इसी फाइलम के लिए, दिस इज कॉल्ड द ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी एक तो बॉडी ट्यूब की तरह की है, दूसरा इसके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। एक ये बात आपने इसमें याद रखनी है, लेकिन इसके अंदर कोई क्लियरली मार्क्ड हेड नहीं होता, नो क्लियरली मार्क्ड हेड, आपको दोनों तरफ तकरीबन एक ही तरह की नजर आती है, लेकिन साफ जरा जो जिस तरफ माउथ होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड होती है, और जिधर आपको एनस नजर आती है इसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। इसके एंटीरियर साइड पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इतने ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होते, बट दे आर द सेंसरी ऑर्गन्स, उसके लिए भी वर्ड याद रखना है, उनको पेपिलीज कहते हैं, ठीक है।
ये कुछ चीजें एक तो शुरू में मैंने आपको बता दी। फिर फर्दर अगर हम इनकी कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स पे आए तो इनमें एक तो ये सिमिट्री की सवाल आ सकता है, इनके अंदर भी बाइलेटरल सिमिट्री होती है। दूसरा इसमें देखेंगे तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एक ही फाइलम है जो कि ए सिलोवेट, सॉरी एक ही फाइलम है जो कि सूडो सिलोमेट्स का है, वो भी यही है। इसके अंदर इसको हम सूडो सिलोमेट्स में रखते हैं क्योंकि इसमें सूडो सिलोम होती है जो कि इसके ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टुला से डिवेलप होती है। तो इनमें हम जानते हैं कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, तो ये भी इसमें एक आपको पॉइंट मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी इसके अंदर जो साइज रेंज है उसमें से सवाल आ सकता है कि इसकी साइज रेंज क्या है। जैसे हमने पहले साइज रेंज की बात की है तो इसके अंदर भी साइज रेंज जो है वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक से लेकर, कुछ मेंबर इसके माइक्रोस्कोपिक है, वहां से लेकर तकरीबन इनकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक हो सकती है। अब इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक सिस्टम वो है नर्वस सिस्टम, उस पर हम बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम में इसमें फेरेंजियल नर्व रिंग्स होती, वर्ड यूज करते हैं फेरेंजियल नर्व रिंग्स, और ये फेरिंग्स के साइड पे आपको नर्व रिंग्स मिलती हैं और वहीं से फिर फर्दर जो नर्व कर्ड्स अराइज होती हैं, और वो नर्व कर्ड्स किस तरह से अराइज होती हैं, इन्हीं फेरेंजियल नर्व रिंग्स से आपको नर्व कर्ड्स मिलेंगे और वो नर्व कर्ड्स आपको वेंट्रल भी मिलेंगे और उसके साथ साथ इसके अंदर जो लेटरल नर्व कर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल भी मिलेंगी और इसी तरह से नर्व कर्ड्स हैं वो लेटरल भी हो सकती हैं। तो ये इनमें नर्व कर्ड्स आपको मिलते हैं जो कि फ्रेंजियल नर्व रिंग से राइज हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, वेंट्रल साइड पर, लेटरल डोर्सल साइड पर, ये आपको मिलते हैं। अब इसके अंदर भी जो सिस्टम एब्सेंट है, जैसे इससे पहले हमने बात की थी, इनके अंदर भी वही दो सिस्टम एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों नहीं है, ये सवाल आ सकता है। इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, इससे पहले तो हमने प्लेम सेल सिस्टम की बात की थी और इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें एक्सक्रेटरी केनाल्स होती हैं, ये याद रखना आपने, एक्सक्रेटरी केनाल। और ये जो एक्सक्रेटरी केनाल्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रेटरी केनाल आपको मिलती हैं और ये दो होती हैं। अगर नंबर इसके पूछ लिए जाए तो बताएंगे दो एक्सक्रेटरी केनाल्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल और जो है वो रन करती हैं और फिर उसके अंदर वेंट्रल साइड से इसके एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली रन करेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें एक्सक्रेटरी पोर्स कहाँ पर होते हैं तो आप बताएंगे कि एक्सक्रेटरी पोर्स इनमें वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल साइड होती है जो कि जैसे हमारी बेली साइड है या एनिमल की नीचे वाली जो साइड होती है, बेली साइड होती है, उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। अब उसके बाद हम इस पे बात कर लेते हैं लोकोमोशन पे, कि ये लोकोमोशन जो है वो किस तरह से करते हैं। देखिए लोकोमोशन इनमें अनडुलेटिंग वेव्स की फॉर्म में होती है, ये एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकोमोशन है, अनडुलेटिंग वेव्स की फॉर्म में आपको मिलती है और इसमें स्पेसिफिकली जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट है और मसल्स के अंदर आपको 4 बैंड्स मिलते हैं मसल्स, ये सवाल आ सकता है, 4 बैंड्स। और इसमें जो 2 बैंड्स होते हैं वो किस तरह से लोकेटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं वेंट्रो लेटरली उनकी अरेंजमेंट होती है, और जो 2 होते हैं वो होते हैं डोर्सो लेटरली, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी रिप्रोडक्शन पे, तो इनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल के अंदर होते हैं। दूसरा आपने यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो इसके अंदर लार्वल स्टेज याद रखनी, लार्वा का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, हर एक काम लार्वा का नाम लिख लें, इसके अंदर लार्वा जो है वो फ्लेरीफॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें पैरासिटिक इंपॉर्टेंस है, जैसे इससे पहले भी हमने फाइलम के अंदर पैरासिटिक इंपॉर्टेंस की बात की तो इसके अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये पैरासाइट है और कौन कौन से पैरासाइट है, किस तरह से वो अपने लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखें एक तो हम यहाँ पर जो मेंबर लिखते हैं वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, लुम्ब्रिकॉइड ये स्पेसिफिकली ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है ह्यूमंस के अंदर, आपने इसके लिए बात याद रखनी है कि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसी तरह से एक फिश यहाँ पर है या जीनस इसको हम कहेंगे दैट इज द रेबडाइटिस, ये जो है वो फिक्सिस के अंदर होता है,
स्पीसीज ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स, मुख्तलिफ जो एनिमल्स होते हैं उनके फीसिस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं डेब्रस वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फर्दर हम कुछ पैरासाइट के अंदर आते हैं और उसके बारे में आपको बताता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एक इसके अंदर है इंटेरोबायस वर्मिकुलरस, इंटेरोबायस वर्मिकुलरस, इसको हम कॉमन नेम इनका पिन वॉर्म भी है, ये आपने याद रखना है। अब जो इंटेरोबायस वर्मिकुलरस होता है ये स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, एक तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशली जो पार्ट्स होते हैं आपने ये पढ़े हुए हैं कि ये सीकम के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलोन में और अपेंडिक्स के अंदर भी हो सकता है। और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वहां से ये इंटेंस इचिंग कॉज करता है एनस के अंदर, यानी इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या है, दैट इज द इचिंग ऑफ एनस। और ये जो है वो ज्यादातर किन एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको ज्यादातर ये यूरोप और अमेरिका के अंदर मिलता है, ये दो तीन पॉइंट आपने इसके लिए वो याद रखने हैं। उसके बाद एक और पैरासाइट, इसको हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनली, एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिन, ये आपने याद रखना है। इसको हम स्पेसिफिक नेम अगर इसका देखें तो इसको हम हुकवर्म कहते हैं। अब ये जो एनिमल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये पैरासाइट जो है वो ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली ये क्या करता है, ये विलाय को होल्ड कर लेता है। हम जानते हैं कि जो विलाय होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और ये यहाँ फूड की अब्सॉर्प्शन होती है, और वहां से होल्ड करके ये ब्लड को सक करता है, ब्लड को सक करेगा, और जिससे स्पेशली बच्चों के अंदर जब ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड की तो उससे अनीमिया की कंडीशन हो जाती है, और अनीमिया जब हो जाता है तो उसके साथ ही उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, यानी कि ग्रोथ को भी ये रिटार्ड करता है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। और साथ ही ये एक केमिकल भी प्रोड्यूस करता है जब ये ब्लड को सक कर रहा होता है, उसको एंटी कोएगुलेंट कहते हैं, और एंटी कोएगुलेंट जो होता है ये ब्लड को जो है वो जमने नहीं देगा, उसको क्लॉट नहीं करने देगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ताकि उसका स्मूथ फ्लो बना रहे और वो उसमें से ब्लड जो है वो अपने बॉडी के अंदर लेके जाता जाए। अब ये जो पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, ये ज्यादातर किन एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ज्यादातर किन एरियाज में प्रेजेंट है, ज्यादातर ये एशिया के अंदर, इसी तरह से नॉर्थ अफ्रीका में और यूरोप के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमन होता है, तो ये भी आपने इसके अंदर बात याद रखनी है। और इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर ले तो इंपॉर्टेंस में इनकी ओवरऑल हम देखें तो ये कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं, ये भी इसी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और एक सिंगल रॉटिंग एप्पल के अंदर एक फिगर आपके लिखी हुई है कि 90,000 जो होते हैं राउंड वर्म दैट प्रेजेंट इन द सिंगल रॉटिंग एप्पल। सो ये हमने इसमें इसकी इंपॉर्टेंस की बात की, और फर्दर कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स लर्न इसके अंदर देखी है, तो आपने ये चीजें लर्न कर लेनी, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइलम स्टालमेंथिस, नीमाटोड्स और प्लेटिहेलमेंथिस की बात की, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।